10 बीमारियों से दूर रहने के लिए 10 तरह की दवाई खाने से बेहतर ऑप्शन होता है कि कोई एक ऐसी चीज की जाए जिससे वो 10 बीमारी शरीर से दूर रहे और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े रहे। हेलो व्यूअर्स, रचनास क्रिएशन करछी से कलम तक में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको आयुर्वेद के हिसाब से एक ऐसी ड्रिंक बनाना बताऊंगी जिसको अगर आप रेगुलर पीते हैं तो शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, एंटी एजिंग इफेक्ट, जो एज के इफेक्ट होते हैं, किडनी की बीमारी हो या लंग्स की बीमारी हो, फेफड़े को साफ करना हो या फिर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना हो, सभी के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है और बहुत ही आसान तरीका है। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तुलसी की पत्तियां तोड़ ली हैं। ये ड्रिंक जो है ना, ये एक बार बनाना और पूरे महीने आप पी सकते हैं। तुलसी की पत्ती जो होता है वो बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर होता है और सही कई गुणों का रामबाण उपाय। ये है गिलोय की पत्तियाँ। गिलोय जो है वो दतुअन अगर आप लगा देते हैं गिलोय का, तो बहुत ईजी तरीके से, बहुत तेजी से गिलोय हो जाता है। तो मैंने गिलोय की पत्तियाँ भी तोड़ ली हैं, 10 कम से कम 10 पत्ते गिलोय के। गिलोय का पत्ता हो, जड़ हो या तना हो, तीनों ही बहुत ही काम का होता है। ये है एलोवेरा। एलोवेरा की भी 2 पत्तियाँ, पूरी लंबी लंबी 2 पत्तियाँ, इसको तोड़ लीजिए 1 महीने के बनाने के लिए। एलोवेरा जो होता है वो शरीर को सिर्फ स्वस्थ ही नहीं रखता है बल्कि आपके शरीर को जवान बनाता है, चेहरे पर चमक लाता है और स्किन को एज के इफेक्ट से बचाता है, साथ ही साथ आपके लंग्स को क्लियर भी करता है। यह है नीम का पेड़। इतने बड़े नीम के पेड़ से नीम के पत्ते तोड़ना रोज तो संभव है नहीं, लेकिन नीम के पेड़ की खास बात यह होती है कि जहाँ भी बड़ा पेड़ होता है उसके नीचे छोटे छोटे पौधे ज़रूर होते हैं। तो मेरे पेड़ के नीचे ये छोटे छोटे पौधे हैं, उससे मैंने नीम की पत्तियाँ तोड़ ली हैं, कम से कम 20 से 25 नीम की पत्तियाँ। तो पहले सामान को इकट्ठा कर लेते हैं, और महीने में एक ही बार बनाना है तो एक साथ ही तोड़ लिया है। वैसे तो आप इसको रोज़ भी बना सकते हैं लेकिन रोज़ मुश्किल लगता है, इसलिए एक ही बार बनाइए। तो एलोवेरा की 2 पत्तियाँ, 8 से 10 पत्तियाँ गिलोय की, तुलसी की पत्तियाँ और नीम की पत्तियाँ को इकट्ठा कर लिया, धुल लिया। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और इसको काट करके इसका पेस्ट बना लेंगे। नीम जो कि बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, शरीर को साफ करता है, कफ को निकालता है, लंग्स को क्लियर करता है। तुलसी जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बुखार हो या छोटी से बड़ी बीमारी दोनों के लिए बहुत बेस्ट समाधान है। गिलोय जो कि हर तरह से आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, मैंने गिलोय के बारे में एक वीडियो अलग से भी जानकारी दी हुई है, और एलोवेरा तो बहुत फायदेमंद है ही। सबको मिला के पेस्ट बना लिया, एक पैन में भर करके पानी को गर्म किया और इस पेस्ट को इसमें डाल के मीडियम फ्लेम पे 2 उबाल लगाना है, और उबाल लगाने से पानी का रंग भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना और इसको छान लेना है, और रोज एक ढक्कन इसको लेना है और आधे गिलास गुनगुन पानी में एक ढक्कन इसको मिला करके पीजिए। किसी भी समय पीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात, किसी भी समय इसको पीजिए। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसको आप लॉन्ग टर्म में पूरी ज़िंदगी पी सकते हैं, आपके इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि यह आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार ही करेगा, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो तो उसको जड़ से ख़त्म करेगा। आयुर्वेद इसको बहुत कारगर उपाय बताता है और इसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसको शेयर करिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। 10 तरह की दवाई से बचिए क्योंकि दवाइयों के आज नहीं तो कल साइड इफेक्ट ज़रूर होते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है ज़्यादा दवाइयाँ खाने से, और नेचुरल रेमेडी जो होती है वो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके शरीर को स्ट्रांग बनाता है। लंग्स हो, किडनी हो, पेट हो, ब्लड शुगर हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए बेस्ट समाधान है गिलोय, तुलसी, नीम और एलोवेरा। तो इस तरह से मैंने जूस को छान करके रख लिया है और एक ढक्कन का इस्तेमाल इसमें करना है।